दोस्तों एरिका पाम का प्लांट है जो मैंने अभी आपको एक वीडियो में दिखाया था, और ये अभी मैं लेकर आया था, तो अब इसको मैं एक बड़े गमले में शिफ्ट करने वाला हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था कि कई सारे प्लांट एक साथ लगे हुए हैं, चार पांच प्लांट हैं, तो इनमें से एक दो प्लांट मैं अलग करके किसी दूसरे पॉट में लगाऊंगा, और इस प्लांट को मैं लगाने जा रहा हूँ एक बड़े 12 इंच के गमले में। ये प्लास्टिक का गमला है, 12 इंच का गमला, और इसके जो नीचे के होल हैं उनको मैंने और बड़ा कर लिया है, क्योंकि प्लास्टिक के गमलों में अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनमें पानी रुकने लगता है। तो इसलिए हमारे जो गमले होते हैं उनका ड्रेनेज सिस्टम हमको बहुत अच्छा रखना चाहिए अगर हम प्लास्टिक के गमले में लगा रहे हों। तो ये 12 इंच का गमला है, इसमें मैं प्लांट लगाऊंगा। तो चलिए चलकर देखते हैं मिट्टी का कॉम्बिनेशन हमने क्या लिया है। तो दोस्तों ये हमने मिट्टी ली है और इसमें 40% के आसपास हमने गोबर का खाद मिलाया है, तो ये कॉम्बिनेशन हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि अगर आपकी मिट्टी चिकनी है तो उसमें आप 20-30% रेत की मात्रा मिला सकते हैं, लेकिन हमारी मिट्टी ऑलरेडी रेतीली मिट्टी है, तो इसलिए हम इसमें कोई रेत की मात्रा ऐड नहीं कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ख़ास बात आपको बताऊँगा कि इसको अलग कैसे करना है। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि इसको निकाल कर पानी में डाल देते हैं और जब ये इनकी मिट्टी घुल जाती है तब उनको अलग करते हैं, लेकिन दोस्तों ये थोड़ा रिस्की होता है इनको इस तरह से अलग करना, क्योंकि जब बिल्कुल इनकी जड़ें धुल जाएंगी तो उसको प्लांट को दोबारा से सर्वाइव करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और बहुत बार प्लांट मर भी जाता है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम थोड़ा पहले ही एहतियात से काम लेंगे। सबसे पहले हम इनको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये प्लांट हमने उस प्लास्टिक बैग से बाहर निकाल लिया है। आप देखें नीचे की साइड इसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी फैली हुई हैं। अब हम इससे बस डायरेक्ट, क्योंकि जब आप ये प्लांट लगाएं तो एक बार इसके जो पॉलिथीन बैग में या जिसमें भी ये प्लांट लगा है उसमें अच्छी तरह पानी डाल दीजिए, जिससे कि इसकी मिट्टी बिल्कुल गीली हो जाए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। तो जब हम प्लांट को अलग करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये आप देखें, ये हमने एक प्लांट अलग किया है और इसकी जड़ें आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह डेवलप हुई हैं। तो दोस्तों ये आप देखें कि मैंने चार प्लांट में इनको डिवाइड कर लिया है। एक प्लांट हमारा ये रहा, ये दो प्लांट एक साथ हैं, इनको मैंने अलग नहीं किया है, और दो प्लांट हमारे ये रहे। तो इनको अब हम लगाएंगे। तो एक प्लांट तो मैं बड़े गमले में लगा रहा हूँ, दो बचे हुए प्लांट को मैं या तो पॉलिथीन बैग में शिफ्ट करूँगा या फिर छोटे 10 इंच के गमले में लगाऊँगा। गमले को दोस्तों लगभग आधा भर लेने के बाद इसमें हम प्लांट को रखेंगे, और प्लांट की जड़ कितनी है उसके अकॉर्डिंग हमको मिट्टी में प्लांट को दबाना है, जिससे कि हमारा प्लांट स्टेबल रहे और गिर ना पाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम बिल्कुल ऊपर की साइड प्लांट लगा देते हैं और जैसे ही हवा चलती है तो उसमें हम पानी डालते हैं तो हमारा जो प्लांट है वो गिर जाता है। तो प्लांट को काफ़ी गहराई तक लगाएँ, जितना मुमकिन हो सके गमले में हमको उतनी गहराई तक प्लांट को लगाना चाहिए। दोस्तों फाइनली इसमें एक बार हम पानी डालेंगे बहुत अच्छी तरह से, बिल्कुल इसको एक बार फुल पानी से भर देंगे, और फिर पानी इसमें तब डालेंगे जब इसका पानी हमको खुश्क दिखाई देगा। और दोस्तों ये प्लांट लगाने के बाद कम से कम 8-10 दिन तक हमको साए में रखना है, जब तक कि ये दिखाई ना दे कि हमारा प्लांट दोबारा ग्रोथ करने लगा है। तो दोस्तों इस तरह हम अपने प्लांट को डिवाइड कर सकते हैं, लगा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।